अभी भी हालात तनावपूर्ण हैं, लेकिन स्थिति नियंत्रण में है। किसी तरह की अफवाह ना फैले, इसके लिए बाकायदा नालंदा में मोबाइल इंटरनेट को 4 तारीख तक के लिए बंद रखा गया है। इसके अलावा सभी सरकारी प्राइवेट स्कूल कॉलेजेस 4 अप्रैल तक बंद रहने के निर्देश जारी किए जा चुके हैं। पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है और आरोपियों को पकड़ रही है, लेकिन स्थानीय लोगों का आरोप यह है कि हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। नीतीश सरकार ने जिन लोगों की जान गई है उनके परिजनों को 5 लाख रुपए के मुआवजों का ऐलान भी किया है। पूरा जो मोहल्ला है वो यहाँ पर देखिए, महिलाएं बड़ी संख्या में है। ये बताइए कि यहाँ मोहल्ले में पुलिस वाले भी आते हैं क्या? शरीफ के जिस मोहल्ले में जिस शख्स को गोली मारी गई थी वहाँ के लोग हैं और आक्रोशित हैं। ये लोग कह रहे हैं कि रात को पुलिस प्रशासन के लोग यहाँ पर आते हैं और सीढ़ियाँ लगाकर छत के रास्ते से घर में जा रहे हैं और वहाँ पर गिरफ्तारी की जा रही है और खास करके हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, ये यहाँ के जो लोग हैं वो खुलकर कह रहे हैं। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ साकेत कुमार, टाइम्स नवनवभारत, नालंदा, बिहार शरीफ।